हमेशा की तरह आज भी राजेश वागले नेकी करके दरिया में डालेगा, लेकिन हर्षद नेकी करके करने वाला है पूरी दुनिया के सामने दिखावा। लेकिन क्यों और क्या होगा इसका परिणाम, आइए देखते हैं। चाचा, ए चल चल निकल यहाँ से। राम से बच्चा है? अरे साहब, आपके लिए बच्चा होगा, मेरे लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। रोज फल मांग के मेरा धंधा खराब करता है। नहीं अंकल, रोज मैं अपने लिए मांगता हूँ, लेकिन आज मैं मेरी माँ के लिए मांग रहा हूँ। मेरी माँ ना बहुत बीमार है, तो पड़ोस वाली काकी बोली कि उनको फल खिलाओगे तो वो ठीक हो जाएंगी। ए, ये कहानी किसी और को सुनाना। एक, 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 एक। सच बोल रहे हो, वाकई में माँ बीमार है? हाँ अंकल। काम कर, ये ले लो, तुम ले लो, अपनी माँ को दे देना, माँ को खिलाना। डोंट वरी, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू अंकल। जा। अरे भैया आप एक काम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इतना मत दीजिए भैया, बजट खत्म हो गया, थोड़ा आधा तोल कर देना। ये बजट भी संभालना पड़ता है महीने का। ये किसने शूट किया ये वीडियो, मुझे पता ही नहीं चला। और शूट किया तो किया, अपलोड भी कर दिया। डैडी, वीडियो किसने शूट किया, क्यों अपलोड किया, वो सब छोड़िए, आपका वीडियो वायरल हो गया वो देखिए। पर बंधु, इस सब के लिए थोड़े उन बच्चों को फ्रूट दिए थे मैंने। राज, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई और सच्चाई है वो कभी ना कभी तो लोगों के सामने आनी है ना। अब तुम इतना कुछ करते हो दूसरों के लिए, वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो लोगों को पता चलेगा ही, भले इस वीडियो के जरिए। हेलो, मिस्टर राजेश वागले जी बोल रहा हूँ। मिस्टर वागले, मैं काइंड नेचर फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। हमने आपका गरीब बच्चों को फ्रूट देने वाला वीडियो देखा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वीडियो क्या? मेरी मेंबरशिप अप्रूव नहीं हुई, वो जो आखिरी सीट बची थी वो किसी और को दे दी। अरे किसको दी मारी सीट, मारी मेंबरशिप की सीट आप लोगों ने किसको दी? नहीं नहीं, नाम बताओ ना मारे को। क्या? यशवर्धन, यशवर्धन गुप्ता। मिस्टर वागले, हमने आपके बारे में पता लगाया तो पाया कि आप एक काइंड हार्टेड सोल है, आपके अंदर गरीबों के लिए दया और प्यार है। हमारी संस्था आप जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें सम्मानित करती है, ताकि इससे और लोगों को भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले। मिस्टर वागले, हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक है तो हमें बताइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं तुमको 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मेंबरशिप उस पटवर्धन को कैसे दे दी? पटवर्धन नहीं मिस्टर हर्षद। हाँ, जो भी है, यशवर्धन गुप्ता, बहुत बड़े समाज से भी है वो, बहुत इज्जत है उनके समाज में। अगर ऐसे इज्जतदार लोग हमारा क्लब ज्वाइन करेंगे तो हमारे क्लब की इज्जत बढ़ेगी, वरना आजकल पैसा तो हर दूसरा आदमी लेके घूम रहे हैं। तो मतलब मैं क्या? हेलो हेलो हेलो, काट दिया काट दिया। थैंक यू, लेकिन क्या मुझे ऑलरेडी बहुत बड़ा सम्मान मिल चुका है। जी हाँ, उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी आई ना फ्रूट्स मिलने पर, मेरे लिए वो सबसे बड़ा सम्मान है, तो मुझे दूसरा सम्मान दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। I'm so proud of you। ये क्लब वाले कहना क्या चाहते हैं कि वो यशवर्धन वही इज्जतदार आदमी? हाँ, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं ऐसे लुखाऊं मैं? नो 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 नो, देखा वह, देखा तू लुखाई है। हाँ, तेरी कोई इज्जत नहीं है। व्हाट? एक सेकंड, ये ले मेंटेनेंस की रसीद। और सुन, सिर्फ पैसों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है, जैसे कि परम पूज्य वन्ना भाभी के पति राजेश वागले ने कमाई है। हालांकि उस इंसान की तारीफ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पर उस इंसान ने काम ही ऐसा किया है कि मुझ जैसे महान इंसान को भी उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। जानना चाहता है उसने ऐसा क्या काम किया है? एक सेकेंड दिखाता हूं। ये देख, पैसों के पेड़ पे चढ़े हुए बंदर, ऐसे कमाई जाती है इज्जत, समझ में आया? आया आया छछुंदर, बरोबर समझ में आ गया। अब तू देख,
देख मैं कैसे इज्जत कमाता हूं ओ? और वो भी पैसों के दम पे देख तू अच्छा और कैसे है हमारे पास एक प्लान हंसना बंद करो और जाके मेरे पापा को समझाओ कि वो ऐसा ना करें। कोई फायदा नहीं होगा विद्युत भैया जब आपके समझाने से नहीं समझे तो हमारे समझाने से क्या समझेंगे किट्टू बच्चों के समझाने से ना समझे लेकिन बड़ों के समझाने से तो समझेंगे ना मतलब ये कि तुम दोनों अपने अपने पापा को बोलो कि वो मेरे पापा को समझाए कि ये सब ना करे हर्षद भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए ओ राजेश भाई कहे का हर्षद भाई अरे ढोंगी कहिए ढोंगी ए पटे बास की बासुरी इतना मारूंगा ना तुझे मार मार के तेरा तंबूरा बना दूंगा मैं गलत है ये गलत है अरे ढोंगी बोलोगे तो मारूंगा नहीं क्या नहीं नहीं मारने के लिए गलत ही बोल रहा हूँ हाँ वो बरोबर नहीं नहीं मारना भी गलत है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विद्युत का झूठा जन्मदिन मनाकर जो आप करने जा रहे हो ना वो गलत है वो प्लीज मत कीजिए नहीं नहीं सीरियस बोल रहा हूँ मैं भी आपको प्लीज बोल रहा हूँ राजेश भाई मारे को जो करना है ना आप मारे को करने दीजिए इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला हाँ मारे को इज्जत कमानी है इज्जत और वो मैं कमा के रहूंगा देख लेना लेकिन बात तो सुनिए प्लीज राजेश भाई प्लीज अरे 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 बेटे You बोल थैंक यू तो बोल हैप्पी बर्थडे विद्युत भैया थैंक यू तू भी आ जा तू भी थैंक यू बोल हाँ शाबाश बहुत अच्छा कर रहे हो हाँ ये वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे ही करना ये लोग का तो शूटिंग हो गया मैं अपना शूटिंग करता हूँ आज मेरे एक्टर दोस्त चक्रम का फॉर्मूला काम आएगा कि आंसू लाने हो तो आंख में ग्लिसरीन डालो अभी आएंगे ये बड़े बड़े आंसू आ गए आंसू आ गए बच्चों आओ आओ यहां पे आ जाओ सब लोग आ जाओ इधर आ जाओ नमस्कार मैं हूं आपका अपना हर्षद अग्रवाल माय गॉड घड़ियाल है ये और ये हमारा छोरा विद्युत इधर ये विद्युत का जन्मदिन है तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक तरफ हमारे मन में खुशी है तो दूसरी तरफ इन गरीब बच्चों को देखकर हमारा मन रो रहा है हमारा मन ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे इसीलिए ऊपर दिखा इसीलिए ये मैंने ये इन बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर इनकी छोटी सी मदद करने की कोशिश की और ये मदद मैं आगे भी करता रहूंगा चाहे किसी का जन्मदिन हो कोई त्योहार हो या कोई भी शुभ अवसर मैं रुकूंगा नहीं इसके लिए चाहे मारे लाखों रुपए क्यों खर्च ना हो जाए कोई गम नहीं लेकिन मैं इन गरीब बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरता रहूंगा गिफ्ट ऊपर दिखा इसके दिमाग में भरता भर गया है राजेश भाई इस पंटर को जो करना था इसने कर लिया देखना अब हम इसे जेल की हवा खिलाएंगे ओ ओ ओ देखो भाई
जेल की हवा नहीं खिलवानी है, हर्षद भाई को सिर्फ सही रास्ते पे लाना है। सुनिए, एक बार उनका वो वीडियो वायरल हो जाए ना, उसके बाद में हम ये वीडियो वायरल करेंगे। ए विद्युत, विद्युत, हमारे वीडियो का क्या रिस्पांस है? कुछ है? अच्छा रिस्पांस है, धीरे धीरे आपकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्यों बात कर रही है? अरे वाह वाह वाह, मैं वायरल हो गया, मैं वायरल हो गया, ये भौरी मारा वीडियो वायरल हो गया, मैं वायरल हो गया। एक मिनट, बेलजी भाई का फोन क्यों है? हाँ बेलजी भाई। अरे वो बच्चे का बर्थडे था तो क्या है, थोड़ा दान धर्म कर दिया। आपको तो पता ही है ना कि मैं थोड़ा दान धर्म करता ही हूँ। के साधु देवता? अरे क्या बात कर रहे हो वेलजी भाई, मैं कहाँ साधु देवता। साधारण इंसान हूँ मैं वेलजी भाई, के देवता और साधु मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह हर्षद, आप तो एकदम पॉपुलर हो गए। पॉपुलर पॉपुलर पापा। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि आप कौन, तो मैं कहूंगी ना कि मैं समाज सेवक हर्षद अग्रवाल की पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने बेटे का झूठा जन्मदिन मनाया और वीडियो बनाया और पपलू हो गए। नहीं, जन्मदिन झूठा था लेकिन गिफ्ट असली थे। पर वीडियो तो झूठा बनाया ना आपने। नहीं मतलब उन बच्चों के पास आपने जबरदस्ती हैप्पी बर्थडे थैंक यू ऐसा बुलवाया और स्माइल स्माइल ऐसे करके उन्हें हंसाया। हाँ करवाया। क्या है बावरी के कम टाइम में ज्यादा इज्जत कमानी होना तो ये सब करना पड़ता है, तू समझती नहीं है। बस आपको किसी की नजर ना लगे। हाँ क्या लग गई नजर पापा, नजर लग गई। आपने जो झूठा नाटक किया ना उसकी वजह से नजर लग गई। हाँ पापा, अब तक आपको तारीफ वाले कमेंट्स आ रहे थे ना, अब आपको अचानक से गाली वाले कमेंट्स आने लग गए। हाँ क्या गाली, गाली क्यों आ रही, गाली क्यों क्यों? एक मिनट, ये वेलजी भाई का फोन वापस क्यों है? हाँ वेलजी भाई, क्या क्या? हाँ हाँ, अरे गाली क्यों दे रहे हो? लेकिन शैतान, साधु से सीधा शैतान। अब अक्कल ठिकाने आएगी उस ढोंगी समाज सेवी पंटर की। इज्जत कमाने चला था ना, अब सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले पड़ रही थी ताली और अब पड़ रही होगी गाली। अरे वाह, राक्षस की तरह क्या हंस रहे हैं आप? अरे हर्षद भाई को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये सब। अच्छा वो फोन लगाइए हर्षद भाई को। एक मिनट, आ गए आंसू, आ गए। बाबा किसने किया शूट ये वीडियो? शूट किसने किया? ए विद्युत, तुझे पता है क्या किसने शूट किया है? नहीं पापा। अरे तू हाँ बोल मनुष, मनुष मनुष बोल, बेकाम क्यों फोन किया तूने? बेकाम का नहीं चमगादड़, काम के लिए फोन किया है। तू ये सोच सोच के परेशान हो रहा होगा ना, दीवार में अपना सर फोड़ रहा होगा ना, अपने बाल नोच रहा होगा ना कि तेरे बनावटी वीडियो के ऊपर असली वीडियो किसने शूट किया? तो सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी तुझे बताना चाहता है कि वो वीडियो हमने शूट किया। क्या? यस। ये हमने मतलब क्या? हमने मतलब कौन है? हमने मतलब वो। अच्छा भाई, हमने मतलब मैंने और दक्कू भाई ने। क्या? हाँ। क्या किया राजेश भाई हमने? क्या किया? क्यों? क्यों किया क्यों ये? आपकी वजह से मेरी रही सही इज्जत वो भी मिट्टी में मिल गई। राजेश भाई आपकी इस हरकत की वजह से
मुझे शेयर मार्केट में कोई खड़ा नहीं रखेगा, मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी पता है आपको। अरे अपने दोस्त को बदनाम करने के लिए नहीं किया हमने हर्षद भाई, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए किया है। और आप चिंता मत कीजिए, आपको मुसीबत में डालने से पहले ही इस मुसीबत का हल हमने ढूंढ लिया है। क्या मतलब? मतलब आपको बताते हैं, आप दगो भाई के घर आ जाइए। अच्छा भाई, इस पूरे कांड को नल एंड वॉइड करने का एक तरीका है हमारे पास। यस, पर वो तरीका हम तुझे तब बताएंगे जब तू हमारी एक शर्त मानेगा। क्या शर्त? वो शर्त ये है कि तुझे हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। चल पैरों में गिर और माफी मांग। दको, हमारे को माफ करते। वो सब ठीक है, पैरों में गिर। हे! ओह माय गॉड! ए बंदे, रुक! सुनिए, बोलिए। हाँ मंजूर है, हमारे को शर्त मंजूर है, लेकिन कांड से बाहर निकलने का जो तरीका है वो तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए असली और नकली वीडियो दोनों आप लोगों ने देखे। दरअसल ये दोनों वीडियो है ना, मैंने आप लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए थे। क्या है, भविष्य में आपको पता चले असली और नकली के फर्क के बारे में। अगर कोई दान धर्म करके ऐसे वीडियो अपलोड करता है तो आप लोग उस पे आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। तो ऐसे ही आंखें खोलने वाले वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद। गुड जॉब। हाँ अच्छा, ये तो काम हो गया, अब शर्त का क्या? राजेश भाई, आपने जो भी कहा है ना वो कल हो जाएगा पक्का। ये ले बेटा, वो भी ले ले। अंकल आज आप गिफ्ट देने का वीडियो नहीं बनाओगे? नहीं बेटे, आज मैं तेरा और मेरा दोनों का दिन बनाऊंगा। ये पर अंकल आज किसका बर्थडे है? मेरा। आज मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए आज के बाद नकली नहीं सिर्फ असली इज्जत कमाऊंगा। हैप्पी बर्थडे अंकल। हर्षद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्राउड नहीं मम्मी, प्राउड। हाँ भाई, सेम टू सेम। आवरी है तू। ए तू मार मार तो। हाँ। क्या बात है राजेश भाई। चलो। अच्छा भाई, शुक्रिया। शर्त पूरी करने के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो आपका है राजेश भाई, अरे को सही रास्ता दिखाने के लिए, वरना मैं तो देखा देखी के चक्कर में गलत रास्ते पे ही चला गया था। आपने सही रास्ता बताया, दान धर्म का दिखावा करके इज्जत कमाना चाहता था। क्या ऐसी झूठी इज्जत ना, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती। मतलब सोचिए ना, किसी जरूरतमंद को आप कुछ दे रहे हो, उसका फोटो खींचवाना या फिर उसका वीडियो बनाना, उससे होता क्या है कि उसे आप एहसास दिला दो, उसे जताते हो कि तुम गरीब हो मैं अमीर हूं। इसे इज्जत कमाना थोड़ी कहते हैं। इज्जत तो ऐसे कमाओ जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, है ना, कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। बिल्कुल सही कहा। देखा परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ रह के राजेश भाई कितने समझदार हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है हर्षद भाई कि ये जरूरी नहीं है कि हर डोनेशन का ना हो हल्ला,
कुछ डोनेशंस ऐसी भी होनी चाहिए कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, या पब्लिसिटी के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए किए गए डोनेशंस का ना वो फल नहीं मिलता है जो निस्वार्थ सेवा करने से मिलता है। बरोबर बोल रहे हो राजेश भाई, एकदम बरोबर बोल रहे हो। आज से नो पब्लिसिटी और नो दिखावा, सिर्फ प्योर सेवा। क्या बात है हर्षद भाई, क्या बात है। और इन सब में ना हाँ। एक बात बहुत अच्छी होगी राजेश भाई। क्या? मारे को क्लब में मेंबरशिप ही नहीं मिली। इसमें अच्छा क्या हुआ? अरे छलर, इसमें अच्छा ये हुआ कि मारे 25 लाख रुपए बच गए। अब वो 25 लाख रुपए मैं ब्याज पे चढ़ाऊंगा। हाँ तो जो? अरे पूरी बात तो सुन, ब्याज के जो भी पैसे आएंगे ना वो सारे पैसे मैं दान धर्म में खर्च करूंगा। क्या बात है हर्षद भाई, माइंड ब्लोइंग। वाह वाह मेरे अनमोल रतन, वाह एक राम और एक लखन। अरे वाह। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.